पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को हलफनामा दाखिल करने के लिए समय भी दिया है। इस हलफनामे में पतंजलि को ये बताना है कि उसने भ्रामक विज्ञापनों और उन दवाओं को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए हैं जिनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने बीती 7 मई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर लोगों को प्रभावित करने वाले किसी प्रोडक्ट या सर्विस का विज्ञापन भ्रामक पाया जाता है तो इसके लिए सेलिब्रिटीज़ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए। IMA ने अपनी याचिका में कहा कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद पतंजलि की तरफ से प्रिंट मीडिया में कथित भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित कराए गए। इस पर 3 जनवरी 2024 को ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने को लेकर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी किया। अवमानना नोटिस जारी करने के बावजूद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। इस पर कोर्ट ने दोनों को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने माफीनामा जारी किया लेकिन कोर्ट ने माफीनामा खारिज कर दिया। 6 अप्रैल 2024 को कोर्ट ने अखबारों में माफीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दिया। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को असली माफीनामे की जगह ई फाइलिंग करने पर भी फटकार लगाई। इस मामले में 23 अप्रैल को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि IMA के डॉक्टरों को भी विचार करने को कहा जो अक्सर महंगी और गैर जरूरी दवाई लिख देते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियाँ आपकी और भी उठती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी को IMA के अध्यक्ष डॉक्टर RV अशोकन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया था जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।